गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण, इसका पार्ट टू देखने वाले हैं। उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण का पार्ट वन इसके पहले बन चुका है। यह एक बहुत ही सुपर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा सारा कोर्स सब एग्ज़ाम ऐप पर भी अपलोड है, आप इसको डाउनलोड करके वहां से भी हमारा कोर्स को परचेज कर सकते हैं, एसबी एग्जाम। चलिए, तो इसमें जो हम लोग बात कर रहे थे अच्छे प्रश्न की विशेषता, कल हम लोगों ने अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या है इसको हम लोगों ने देख चुका था। तो आज हम लोग चलेंगे पूरक प्रश्न के प्रकार, यानी पूरक प्रकार के प्रश्न। पूरक प्रकार के प्रश्न, पूरक प्रकार के प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिसमें विद्यार्थियों को उसका उत्तर एक शब्द या कई वाक्य या कई अनुच्छेद में देना होता है। तो इसमें हमने क्या कहा, पूरक प्रकार के प्रश्न में जो आंसर देना होता है वह या तो एक शब्द में, कई वाक्यों में या कई अनुच्छेदों में दे सकते हैं। यहां पर मतलब इन प्रकार के प्रश्नों को स्वच्छ उत्तर वाला प्रश्न भी कहा जाता है। स्वच्छ उत्तर वाला प्रश्न भी कहा जाता है, स्वच्छ उत्तर वाला प्रश्न। इसको आगे चल करके बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा, अभी थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा। देखिए, इनमें यानी जो पूरक प्रकार के प्रश्न है इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा निबंध प्रकार का प्रश्न, निबंध प्रकार का प्रश्न। दूसरा होगा संक्षिप्त उत्तर प्रकार का प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर प्रकार का प्रश्न। और तीसरा होगा बहुत ही संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त उत्तर। ये तीन तरह के पूरक प्रश्न होते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न तीन तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निबंधात्मक प्रश्न क्या होता है। यदि हम इसको सीधे शब्दों में कहें निबंधात्मक प्रश्न को, तो निबंधात्मक प्रश्न उसको कहेंगे जिसका उत्तर लिखित हो और एक या दो पृष्ठ में, जिसका लिखित उत्तर एक या दो पृष्ठों में हो। लिखित उत्तर कितने में होना चाहिए? एक या दो पृष्ठों में होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स को यह छूट रहता है कि उत्तर की शब्दावली वह स्वयं प्रयोग कर सकता है, उसकी लंबाई, उत्तर की कितनी लंबाई होनी चाहिए वह स्वयं एक अनुमान से अपना कर सकता है, और उत्तर में जो संयोजन करने के तरीके हैं, पहले कौन सा भाग लिखेंगे, बाद में कौन सा भाग लिखेंगे, अंत में किस तरह से समापन करेंगे, ये स्टूडेंट पर खुद निर्भर करता है। ये हुआ निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य यह होता है कि बच्चों का भाषा में लिखने का कैसा, यानी बच्चों का भाषा में लिखने का परीक्षण, भाषा में लिखने का परीक्षण यदि हम कर रहे हैं तो इसके लिए निबंधात्मक प्रश्न होता है। किस तरह का प्रश्न होता है? निबंधात्मक प्रश्न। अब देखिए, निबंधात्मक प्रश्न में क्या क्या चीजें होना चाहिए। सबसे पहले एकत्रित की गई सूचना का प्रयोग करके उसमें प्रमाण की जानकारी लेना, अच्छा। दूसरा चीज, अनुमान लगाकर सूचनाओं को व्यवस्थित करना, उसका विश्लेषण करना, तथ्यों की व्याख्या करना, ये आपका निबंधात्मक प्रश्न है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, रेतीली
मिट्टी जल को क्यों नहीं रोकती, क्यों नहीं रोकती है, एक प्रश्न है। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, रेतीली मिट्टी जल को क्यों नहीं रोकती। इसमें बच्चे स्वयं जो अर्जित ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर तथ्य का चयन करेगा, तथ्य का चयन करेगा और उस आधार पर उत्तर लिखेगा। तो यहां पर होगा ये निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में जो दी गई समस्या होता है उस समस्या के बारे में व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत विचार, मूल दृष्टिकोण ये सब व्यक्त करने होते हैं। इसमें तथ्यों, आंकड़ों, इन सभी को मिलाकर ये अपना विचार प्रस्तुत करना होता है। तो ये निबंधात्मक प्रश्न हो गया। अब हम लोग चलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। किसको कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न? देखिए, जो हम लोगों ने निबंधात्मक प्रश्न देखा उसमें वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी होती है। वस्तुनिष्ठ नहीं होता और विश्वसनीय नहीं होता है, इसलिए निबंध प्रकार के प्रश्नों में संक्षिप्त सार, संक्षेप और अस्पष्टता नहीं हो पाती है। लेकिन यदि हम लघु प्रश्न उत्तर को हम देखें तो इसमें क्या होता है, उत्तर वस्तुनिष्ठ होता है और विश्वसनीय होता है। वस्तुनिष्ठ होता है और क्या होता है, विश्वसनीय होता है, यानी उसको काट नहीं सकते। जैसे मैं प्रश्न कर दूं, पौधों और जानवरों में चार अंतर बताइए, पौधों और जानवरों में चार अंतर बताइए। देखिए यहां पर वस्तुनिष्ठता होगा, क्या यहां कह सकता है कि पौधे श्वसन के समय CO2 ग्रहण करते हैं, जानवर O2 ग्रहण करते हैं। ये कहीं भी, चाहे आप अमेरिका की बात करो, यूरोप की बात करो, चीन की बात करो या भारत की बात करो, कहीं की भी हम बात करेंगे, हर जगह के पौधे श्वसन में CO2 ग्रहण करते हैं और जानवर O2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हुआ, विश्वसनीय हुआ, वस्तुनिष्ठता हुआ। तो इस तरह के प्रश्न को हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और इसमें चार अंतर कह करके इसके उत्तर को सीमित कर दिया, चार अंतर के बाद आपको आगे नहीं बढ़ना है। फर्स्ट चार अंतर आपने लिखा, उसे आगे आपको नहीं बढ़ना है, तो इसको हम कहेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, देखिए अब इसके बारे में और हम बात कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में हम लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या किस पर ध्यान देना चाहिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग वार्षिक या यूनिट परीक्षाओं में किया जा सकता है। यदि आप वार्षिक परीक्षा करवा रहे हैं बच्चों से तो यहाँ पर, या यूनिट एग्जाम ले रहे हैं तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न हम ले सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप बनाना चाहते हैं बच्चों से तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जगह पर आप लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न अधिक से अधिक पाठ्यक्रम को शामिल करने में सहायता करेगा, क्योंकि कुछ निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर अधिक लघु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे प्रश्न पत्र की वैधता में भी सुधार आएगा, मतलब जो उसकी वैधता है या एक जैसा हो सकेगा। अब हम लोग देखेंगे
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर बहुत ही कम शब्दों में आप दे सकते हैं, अधिकतम एक वाक्य में दे सकते हैं, कम शब्दों या अधिकतम एक वाक्य में जिसका उत्तर दे पाए उसी को अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाएगा। जैसे हम प्रश्न कर दें, अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो इसका उत्तर निश्चित रूप से बहुत कम शब्द में दिया जा सकता है या अधिकतम एक वाक्य में दिया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि श्री हेमंत सोरेन भी लोग कह सकता है इसका उत्तर में, या झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं। तो देखिए या तो आप एक वाक्य में दे दिए या फिर कुछ शब्दों में आपने उत्तर दे दिया। तो इस तरह का प्रश्न जो होता है वस्तुनिष्ठ कहा जाता है, वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। इसमें प्रश्नों की वैधता अधिक होती है, विश्वसनीयता अधिक होती है। क्या क्या अधिक होती है? ये विश्वसनीय अधिक होते हैं, विश्वसनीय अधिक होंगे, साथ ही इसकी वैधता अधिक होती है। तो इस तरह के प्रश्न को हम पूछेंगे कैसे? इस तरह के प्रश्नों का उदाहरण है रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार का प्रश्न। ये सभी आप लोग जान रहे हैं कि रिक्त स्थान, मान लीजिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं, मानव के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है खाली स्थान। यहाँ पर सबसे बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी हम कह सकते हैं, यहाँ पर लोग लिखेगा। यह रिक्त स्थान का प्रश्न हुआ। समानार्थक प्रश्न के प्रश्न देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में भाषा में अनुच्छेदों में दिए गए विचार शब्द वाक्य समानार्थक व विलोम शब्दों को चुनने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी समान अर्थ कौन सा है, जैसे हम कुछ लिख दें कि आराम, कोई आपने पहले गद्यांश या पद्यांश का एक भाग दिया था, भाषा की हम बात कर रहे हैं, कोई अनुच्छेद दिया था, उस अनुच्छेद में आराम का समानार्थक इसका समान अर्थ वाला कुछ ना कुछ एक शब्द होगा, उस शब्द को यहाँ से ढूंढना, या तो फिर विलोम, विलोम शब्द वाला होगा इसको यहाँ से ढूंढना, ये कहलाता है समानार्थक प्रकार के प्रश्न। उसके बाद आ गया मानचित्र पर आधारित प्रश्न, भूगोल में नक्शा कौशल को मापने के लिए इन प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में मानचित्र पर आधारित प्रश्न होते हैं। सभी लोग जानते हैं कि मानचित्र वाले प्रश्न अधिकांशतः भूगोल में रहता है। जैसे उसमें आपको इंडिया का नक्शा दे दिया और आपको कह देगा कि बंबई हाई कहां पर है, या एक सुती उद्योग क्षेत्र को दर्शाएं, या फिर आपको कह दिया कि कोयला खनन क्षेत्र को दर्शाएं, एक कोयला खनन क्षेत्र को दर्शाएं, तो आप निश्चित रूप से कोयला का खनन कहां पर होता है वहां पर आप इस तरह से दिखाएंगे। तो ये मानचित्र पर आधारित प्रश्न होते हैं। उसके बाद होता है रूपांतरण प्रश्न। अब रूपांतरण प्रश्न क्या है, देखिए यदि हमको भाषा जांचना हो, क्या जांचना हो, भाषा, भाषा के बारे में जांचना हो, तो इस तरह का प्रश्न का निर्माण हम लोग करते हैं। इस तरह के प्रश्नों के द्वारा कथ्य, वाच्य, संश्लेषण व वाक्य रूपांतरण आदि को जांचा जा सकता है। रूपांतरण में क्या क्या, कथ्य का जांच हम कर सकते हैं, वाच्य का जांच कर सकते हैं, संश्लेषण का जांच कर सकते हैं, वाक्य रूपांतरण का जांच इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आलोचनात्मक प्रश्न। देखिए आलोचनात्मक प्रश्न क्या हुआ, यानी आलोचनात्मक
चिंतन आप इसको कर सकते हैं। आलोचनात्मक चिंतन में दो चीज पर ध्यान दिया जाता है, जैसे इसकी लाभ और इसकी हानि दोनों, यानी इसका सकारात्मक बात क्या होगा और इसका नेगेटिविटी बात क्या होगा, नकारात्मक बात क्या होगा। मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने मार्केट चल गए, मान लीजिए आप एक अच्छा सा जूता खरीद रहे हैं, तो वहां पर आप उसमें दो चीजें ध्यान देंगे। यदि आप आलोचनात्मक चिंतन करेंगे तो कि इसकी क्वालिटी कैसा है, इसका देखने में सुंदरता कैसा है और इसमें लगने वाला पैसा कितना लग रहा है। आप देखेंगे कि ज़्यादा दाम दे करके कम यानी खराब क्वालिटी का तो सामान नहीं खरीद रहे हैं। हम ज़्यादा दाम यदि दे रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का सामान खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। तो इस तरह का आलोचना करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। और यहां पर हम आलोचनात्मक गुणों का विकास करते हैं। किन गुणों का विकास करते हैं? आलोचनात्मक गुणों का विकास करते हैं। तो दोस्तों ये पार्ट टू अब समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक में हम लोग अब आएंगे और इसका MCQ कल लेकर के आएंगे। इसका इस पर आधारित जो MCQ हैं, हम उसके MCQ को कल लाइव टेस्ट के रूप में लेकर के आएंगे। चूंकि इसका जो कंसेप्ट है, अवधारणाएं हैं, तथ्य हैं, हमने आपको बता दिया, तो कल आप सभी MCQ लाइव टेस्ट में 5 बजे उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।